हाय फ्रेंड्स, सुजीत राजेश के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग के यूट्यूब चैनल के लिए एक आज बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ, जिससे कि आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। इसमें आपको खुद की वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फेस दिखाना नहीं पड़ेगा, आपको खुद का वॉइस नहीं डालना है, आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, आपको केवल कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, वो भी आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। वो अभी ऐसा कॉन्टेंट चल रहा है जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब पे, सभी पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं इसका लाइव आपको दिखाने भी गाँव के जो चैनल बनाए हैं वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, लाखों का मंथली कमा रहे हैं, ओनली कॉपी पेस्ट करिए। मैंने ये देखा, आज मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, ओनली कॉपी पेस्ट करना है। आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं है, आपका आधा घंटे का काम है। आधे घंटे आप ये काम अगर रोज करते हो तो आपका चैनल आराम से 10 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने एक चैनल वहाँ देखा है, मात्र 280 वीडियो है और 2 मिलियन इनका सब्सक्राइबर है और अच्छे खासे व्यू आ रहा है, लाखों का व्यू आ रहा है पर वीडियो में। तब समझते हैं लाखों व्यू अगर पर वीडियो में आ रहा है तो मिनिमम का वो 5 से 6 लाख रुपये यूट्यूब से छाप रहे हैं। तो आप भी वो काम कर सकते हो, ओनली आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं इस वीडियो में आपका पूरा तरीका बताऊँगा, अपलोड से लेकर कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको वीडियो लेना है, कौन सा टैग लगाना है, कौन सा टाइटल लगाना है, ये मैं पूरा जी विशेष वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाते हैं और वहीं पर पूरा आपको लाइव दिखाते हैं कि कहाँ से आपको वीडियो उठाना है और कहाँ से आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन लेना है और किस एप्लीकेशन से उसे एडिट करना है और क्या क्या इसमें करना है। इसमें आपको ना फेस दिखाने की जरूरत है, न वॉइस की जरूरत है, आप खुद का वीडियो भी नहीं होगा, वो अदर का वीडियो होगा, वो का ओनली कॉपी पेस्ट करना है। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, अपने होम स्क्रीन पे आपको आते हैं। हाय फ्रेंड, तो जैसा कि मैं आपको सबसे पहले उसका चैनल दिखा देता हूँ जो चैनल चल रहा है और उसमें अच्छी खासी अर्निंग हो रही है और किस टाइप का चैनल है। जैसा कि मैं अपना यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब पे आपको दिखाता हूँ। मैंने जैसा कि यूट्यूब ओपन कर लिया, यूट्यूब ओपन करने के बाद कुछ ऐसे एंटर, इसके बाद यहाँ पर सर्च करते हैं ओडली सर्टिफाई, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, सर्च कर लिया। इसके बाद हम थ्री डॉट्स पे किनारे आएंगे, थ्री डॉट्स पे फिल्टर पे आते हैं। ओनली मैं यहाँ पर चैनल सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, चैनल नहीं आएगा। तो मैं चैनल पर अप्लाई कर लेता हूँ, मैं चैनल पर अप्लाई कर लिया, देख सकते हो जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वही है ओडी सर्टिफाइड। ये इस पर क्लिक कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हो यहाँ पे 2 मिलियन इनका सब्सक्राइबर है और अगर वीडियो की बात करें तो मात्र 291 वीडियो है। अब देख सकते हो मात्र इतना कम वीडियो में इनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और पर वीडियो पर अच्छे खासी अर्निंग आती है। जैसे कि मैं यहाँ वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ और पॉपुलर पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो 99 मिलियन व्यू है, 90 लाख व्यू एक आगे वीडियो में आया है इनका। अब देख सकते हो अच्छी खासी अर्निंग है। एक वीडियो में ऐसे ओपन करके आपको इसमें दिखाऊंगा तो देखोगे कि कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, देख सकते हैं नॉर्मल होगा। किस चिंता में बाल घवा रहे हो, देख सकते हो इसमें एड भी आ रहा है, मतलब ये चैनल मोनेटाइज है और इसकी अर्निंग भी मैं लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एड को खत्म होने देते हैं, एड खत्म होता है, इसके बाद आपको इसकी वीडियो भी दिखाते हैं, इसकी अर्निंग भी दिखाते हैं लाइव प्रूफ। इसकी अर्निंग दिखाने वाला हूँ इस चैनल का कि इस चैनल से मंथली कितना अर्निंग हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन था, स्किप करता हूँ, इसके बाद आप इसका वीडियो भी दिखाता हूँ, इसका वीडियो दिखाता हूँ, इसके बाद दिखाऊंगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपको एडिट नहीं करने की जरूरत है, ओनली आपको वीडियो डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करके डाला जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे चालू हो गया, देख सकते हो कोई वॉइस नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, देख सकते हो केवल ये काटने का सामान कटर कटर कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और देख सकते हो 9 मिलियन, देख सकते हो 90 लाख की इसमें व्यू गया है, इसमें 90 लाख व्यू गया है और इसमें कितनी अर्निंग हुई वो भी बताऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली वीडियो को कॉपी पेस्ट करके डाला जा रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पर कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट डाला गया है, ना वॉइस है, ना फेस है, ना कुछ नहीं है। तो बस इस तरह का आपको वीडियो बनाना है। वीडियो कहाँ से मिलेगा आपको, ये वीडियो नहीं उठाना है, कहीं कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहला मैं यहाँ पे इसे बंद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसी चैनल का कितनी अर्निंग ये कमा रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, इसके बाद आपने गूगल पे ओपन करता हूँ, सोशल ब्लेड मैंने ओपन कर लिया और सोशल ब्लेड ओपन हो चुका है। इसके बाद हम सोशल ब्लेड पे क्लिक करेंगे और वही चैनल को हम खोलेंगे। जैसे कि मैंने सोशल ब्लेड ओपन कर लिया, सोशल ब्लेड ओपन सर्च पे जाएंगे, सर्च पे जाएंगे, वही मैं सर्च करता हूँ, जैसा कि ओडी सर्टिफाई था वही था चैनल। इसके बाद हम सर्च पर क्लिक कर लेते हैं, जैसा कि मैंने ओडी किया, इसका सर्च पे क्लिक कर दिया, सर्च पे क्लिक कर देखते हैं कितनी अर्निंग ये से इस चैनल से हो रहा है, जिसमें आपका फेस भी नहीं है, वॉइस भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपका ऐसे ही चल रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस चैनल पर क्लिक कर दिया और इसकी पूरी अर्निंग आ चुकी है, कितनी अर्निंग ये कमा रहा है मंथली।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि यहाँ मैंने बड़ा कर दिया, आप देख सकते हो एस्टीमेट रनिंग इनका आपका डॉलर 450 से $7,000 पर मंथ है, मतलब $7,000। अब $7,000 को आप 82 से गुना करके देख सकते हो कितनी अर्निंग है, मतलब $7,000 इस पे कर लेते हैं, $7,000 गुना 82 का डॉलर अभी चल रहा है तो देख सकते हो 82, मतलब 81,500, मतलब 5.5 लाख का मंथली ये अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें कोई आपका फेस की जरूरत नहीं है, वॉइस की जरूरत, ओनली कॉपी पेस्ट का यहाँ काम चल रहा है। कॉपी पेस्ट काम करके आराम से 5 से 6 लाख रुपये मंथली लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप भी कर सकते हो। और मैं ये बताऊँगा ये इसका वीडियो को आपको कहाँ से लेना है, इस टाइप का वीडियो कहाँ से लेना है, कैसे इसको एडिट करना है जिससे कॉपीराइट का इशू ना हो, कुछ का इशू ना हो। अब देख सकते हो अनलिमिटेड अर्निंग यहाँ पर है, देख सकते हो यहाँ पर रोज की भी अर्निंग दिखा रही है, रोज का अर्निंग है $500 है या $200 है, तो आराम से बोल रहे हैं कि मंथली आपका 5.5 लाख रुपये आराम से अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें देख सकते हो कि किसी भी वीडियो में आपका फेस नहीं दिखाया गया है, खुद का वॉइस नहीं डाला, बिना वॉइस का डाला गया है। तो अब मैं बताऊंगा ये वीडियो को आपको लेना कहाँ से है। तो सबसे पहले अगर आपका टिकटॉक कंट्री में चलता है तो टिकटॉक से आप ले सकते हो, लेकिन अगर इंडिया की बात है तो इंडिया में टिकटॉक बंद हो चुका है, तो टिकटॉक बंद हो गया तो आप इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम अपना ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, इंस्टाग्राम ओपन कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, इसके बाद हम सर्च पर जाएंगे, वही आपको सर्टिफाइड वीडियो को हम सर्च कर लेते हैं। देखिए मैंने सर्टिफाइड वीडियो सर्च किया और यहाँ पर सर्च होने देते हैं, देख सकते हो यहाँ बहुत सारा वीडियो आ चुका है, अनलिमिटेड वीडियो आपको यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो अनलिमिटेड वीडियो है, कोई इशू नहीं है, अनलिमिटेड वीडियो है। अब कोई वीडियो को यहाँ से उठा सकते हो और यहाँ से डाउनलोड करके आप वहाँ पर एडिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारा वीडियो आ चुका है, कोई भी वीडियो को हम उठाते हैं और यहाँ पर आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। जैसा कि मैं कोई एक वीडियो को ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेते हैं, इसके बाद हम बैक आ जाते हैं और इस लिंक से, इसके बाद आपको यहाँ पे गूगल पे आना होता है, गूगल पे हम आ चुके हैं। गूगल पे आने के बाद अब आप देख सकते हो इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड, ये सर्च करना है। इसके बाद ये कॉपी लिंक आपने पहले ही कर चुका है, तो यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे थर्ड नंबर पे आएगा डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियो, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे वो जो कॉपी पेस्ट आपने किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। जब मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, डाउनलोड के ऑप्शन पे लेंगे, कुछ देर का ये वेट लेगा, इसके बाद ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ, इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा, तो मैं डाउनलोड यहाँ कर लूँगा और डाउनलोड करके फिर एडिट करके दिखाऊँ। जैसा कि ये वीडियो आ चुका है, डाउनलोड का ऑप्शन भी नीचे आ चुका है, डाउनलोड MP4 पर हम क्लिक कर लेंगे, MP4 पर क्लिक करके ने कुछ देर का इंटरफेस आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोड पर मैंने क्लिक कर दिया, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और थोड़ा देर में ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, ये वीडियो डाउनलोड होने देता हूँ, देख सकते हैं डाउनलोड डिटेल आया, डाउनलोड डिटेल पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, ये आधा डाउनलोड हो चुका है 36 सेकंड में, ये पूरा डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने देते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे एडिट कैसे करना है और इसे फिर अपलोड कैसे करना है, और इसका जो आपका टैग है थंबनेल है डिस्क्रिप्शन है, आपको कहाँ से लेना है, आप कैसे लेना है, ये भी मैं पूरा आपको लाइव बताने वाला, तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ डाउनलोड होने दे देता हूँ, पहले डाउनलोड होने जाता है, इसके बाद मैं बताऊँगा कि इसको कहां से आपको एडिट करना है और इसका पूरा प्रोसेस आपको अपलोड तक का प्रोसेस बता दूंगा। इसको आपको थंबनेल है, टाइटल है, ये सब कहां से लाना है, आपको कहीं से भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, आधे घंटे में ये सब वीडियो तैयार हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो ये डाउनलोड करीब हो चुका है, हम डाउनलोड हो जाते हैं, इसके बाद आप दिखा देते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड हो चुका है, मैंने यहाँ डाउनलोड भी बता दिया, यहाँ पर बैक आ जाते हैं, अपने गैलरी पर जाते हैं, वो गैलरी पे मेरा ये डाउनलोड हो चुका होगा। जैसे कि मैं गैलरी अपना ओपन कर लेता हूँ, गैलरी ओपन कर चुका हूँ, गैलरी ओपन कर देख सकते हो ये वीडियो आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो वही वीडियो वहाँ आ चुका है। मैंने यहाँ देख सकते हो 2-3 वीडियो और पहले भी किया था, जो वीडियो आपके सामने किया वो यहाँ पे, यहाँ से हम अब हो गया यहाँ का काम, अब डाउनलोड भी हो गया, मुझे वीडियो भी मिल चुका है। आपको आपको क्या करना है, इसमें एडिट करना है, एडिट का काम मेन है, एडिट आपको ऐसा करना है जिससे कि कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको काइनमास्टर का यूज़ करना है, काइनमास्टर पर आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं काइन मास्टर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैंने देख सकते हैं काइन मास्टर क्लिक किया, काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं, काइन मास्टर को मैंने ओपन कर लिया, काइन मास्टर ओपन हो चुका है। इसके बाद हम प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसका जो मेन होता है 16.9, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक मैंने कर दिया। इसके बाद आपको
या मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक हम बैकग्राउंड कुछ हम ले लेते हैं, बैकग्राउंड कुछ भी ले लेते हैं, एक वाइट हम ले लेते हैं कुछ फिलहाल के लिए आपको दिखा रहे हैं। आप चाहोगे दूसरा भी बैकग्राउंड ले सकते हो यहाँ पे, जैसा कि मैंने एक वाइट बैकग्राउंड ले लिया है इस हिसाब से। इसके बाद हम लायर पर क्लिक करेंगे और मीडिया पर क्लिक कर लेंगे। मीडिया मैंने क्लिक कर दिया और वो वीडियो को हमको लेना है जो वीडियो को मैंने डाउनलोड किया था। तो यहाँ ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोड पे आ गया है। डाउनलोड पे हम नीचे देख लेते हैं वो वीडियो कहाँ है, देख सकते हैं वो वीडियो है, ये वीडियो आ चुका है। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके बड़ा कर लेंगे, देख सकते हो। इसको आपको साइज बड़ा छोटा करना है क्योंकि जिससे कि कॉपीराइट का इशू ना हो इसमें। आपका अगर कुछ टैग लगा हुआ है तो वो टैग को आप कटिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ टैग कुछ है ही नहीं, अगर टैग रहता तो इसे और बड़ा करेंगे, जूम थोड़ा कर लेंगे। जूम करके हम देख सकते हो यहाँ कर दिया। इसको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, बीच से चाहेंगे तो कटिंग भी कर सकते हैं। बीच से हम कटिंग यहाँ करके या बीट में कटिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं बीट में कटिंग भी कर दिए, बीच से कटिंग भी हो जाएगा जिससे कि ये कॉपीराइट का इशू ना हो। इसके सबसे पहले फिर साउंड को इसको ऑफ करना है, जिसे यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करेंगे, ये साउंड ऑफ कर देंगे इसका। इसके भी हम साउंड को ऑफ करेंगे कि दो पार्ट में मैंने कट कर दिया है इसे, देखिए दो पार्ट में मैंने कट कर दिया है इसको। इसके बाद देख सकते हो अब कुछ इस तरह का वीडियो ही हो चुका है। यहाँ पे आपको अपने चैनल का थंबनेल उमने लगाना होगा, थंबनेल लगा लीजिएगा जैसा कि मीडिया में मैंने क्लिक किया। अपना जो थंबनेल आपका होगा वो थंबनेल लगा लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना दिखा देता हूँ कुछ भी लगा के, जैसे सब्सक्राइबर का लगाना है तो हम सब्सक्राइबर का यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर सब्सक्राइबर का लगा लेंगे। कुछ आपको क्रिएटिविटी यहाँ पर डाल देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ डाल दिया इसको, देखिए मैंने क्रिएटिविटी डाल दिया सब्सक्राइब वाला। आपको आपको चाहिए अभी ब्लिंक होता हुआ तो हम ब्लिंक होता हुआ कर देंगे, देख सकते ब्लिंक हो रहा है, तो देख सकते हैं ये बिलिंग होगा। कुछ इस तरह का वीडियो आ चुका है, यहाँ पे ऐसा हो चुका है। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये जैसे प्रोजेक्ट को अथी कर देना है। मैंने ओके कर दिया इस पर ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट का तैयार हो चुका है, तो इसको एक्सपोर्ट हम डायरेक्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा देर में, यहाँ पर एक्सपोर्ट आपको आराम से हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसका टैग थंबनेल कहाँ लेना है इसको भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ एक्सपोर्ट होने देते हैं, एक्सपोर्ट होने के बाद ये तैयार आपका वीडियो हो जाएगा। तो मतलब इसमें आपका देख सकते हो ना फेस की जरूरत पड़ेगी ना वॉइस की जरूरत पड़ेगी, ओनली कॉपी पेस्ट का ये काम है। कॉपी पेस्ट करके अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से कर सकते हो, जैसा कि ये देख सकते हो एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा वो टैग थंबनेल ये सब कहाँ से लेना है, इसके लिए भी आपको ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है, वीडियो बन चुका है। यहाँ से मैं बाइक आ जाता हूँ, बाइक आकर आपको बताता हूँ कि वो आपको टैग थंबनेल को कहाँ से लाना होता है। जैसा कि टैग थंबनेल को कहाँ से लाना है, इसके लिए जैसे मैंने यहाँ फिर से यहाँ क्लिक कर लेता हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जो वीडियो को मैंने देखा था, जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, इसको ओडी पे सर्च कर लिया। अब देख सकते हो इस सब में अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, तो इसका टैग थंबनेल आपको एक अकाउंट लिखना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए आपको करना है यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ शेयर पे क्लिक करना है, या कॉपी लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ से डायरेक्ट बैक आ जाते हैं, अब इसका टैग थंबनेल आपका आराम से मिल जाएगा। इसके लिए आपको टैग फाइंडर आपको जो होगा डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर, जैसे कि मैं टैग फाइंडर इस पर क्लिक मैंने कर दिया टैग। इसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करके सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हो जितने भी इसका टैग थंबनेल थे सब आ चुका है, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से देखिए मैंने कॉपी कर लिया इसको। टैग टाइटल को चाहेंगे टाइटल कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन चाहेंगे डिस्क्रिप्शन पूरा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो टैग को चाहिए टैग को पूरा कॉपी कर लेंगे और आराम से यहाँ पर आपके यूट्यूब पे के अपलोड में पेस्ट कर देंगे। आपको कुछ चेंजिंग करना होगा आगे पीछे चेंज कर लेंगे यहाँ से, फिर आराम से ये वीडियो अपलोड कर लेंगे। और इसमें अगर आपको म्यूजिक लगाना होगा तो वो यूट्यूब का म्यूजिक अपना प्लेटफॉर्म का लगा लीजिएगा वीडियो पे, और आराम से अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।